हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा YouTube चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ought to के फिफ्थ यूज के बारे में। और वो कॉन्सेप्ट क्या है? ought to be सब्जेक्ट, ought to be देन ऑब्जेक्ट। कर्ता को कुछ होना चाहिए या कर्ता को कहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ये एडवांस वर्ब ऑफ टू बी है। दोस्तों, इससे पहले हम लोग ought to के चार यूजेस पढ़ चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को ना देखा हो तो उसे जरूर देख लीजिएगा, ताकि ought to से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अब तक बने हुए हैं या जो भी कंफ्यूजन आपके दिमाग में बने हुए हैं वो क्लियर हो सके। तो गाइस, यहां पे कर्ता को कुछ होना चाहिए, कर्ता को कहीं होना चाहिए, लेकिन चूंकि ये ought to है तो ought to किन चीजों के लिए इस्तेमाल होता है? ought to इस्तेमाल होता है ड्यूटी के लिए, या ought to इस्तेमाल होता है मतलब नैतिक शिक्षा के लिए, नैतिक बाध्यता के लिए, उत्तरदायित्व के लिए। इन चीजों के लिए हम ought to का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें भी जो सेंटेंस आएंगे तो वही चीजें वहां पर यूज की जाएगी। जैसे नैतिक बाध्यता हो या फिर नैतिक दायित्व हो, उत्तरदायित्व हो, ड्यूटी हो, तो यही सेंटेंस यहां पर भी आएंगे। जैसे सैनिकों को बहादुर होना चाहिए, स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंट होना चाहिए, लोगों को ईमानदार होना चाहिए, हमें देशभक्त होना चाहिए, सैनिकों को देश के प्रति समर्पित होना चाहिए, स्टूडेंट्स को क्यूरियस होना चाहिए, क्यूरियस मतलब जिज्ञासु, स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंट होना चाहिए, लोगों को एनर्जेटिक होना चाहिए, हमें अपने देश के प्रति वफादार होना चाहिए, हमें अपने काम के प्रति ईमानदार होना चाहिए, इस तरह के सेंटेंस। या फिर कर्ता को कहीं होना चाहिए, स्टूडेंट्स को प्रेयर में होना चाहिए, उनकी यह ड्यूटी है कि उनको रोज प्रेयर अटेंड करना है, उनको प्रेयर में होना चाहिए, सैनिकों को बॉर्डर में होना चाहिए, यह उनकी ड्यूटी है, लोगों को उस मीटिंग में होना चाहिए क्योंकि वो मीटिंग उनके ही फायदे के लिए है, तो उनकी ड्यूटी है कि उन्हें उस मीटिंग में शामिल होना है, तो लोगों को मीटिंग में होना चाहिए। तो जब कर्ता को कुछ होना चाहिए या कर्ता को कहीं होना चाहिए, और जिससे ड्यूटी है ना, मॉरल एजुकेशन, मॉरल ऑब्लिगेशन, रिस्पांसिबिलिटी, एटिकेट्स, मैनर्स, इनके बारे में जानकारी मिल रही है, तो हम लोग ought to का इस्तेमाल करेंगे। जैसे स्टूडेंट को डिसिप्लिन होना चाहिए, सो स्टूडेंट्स ought to be disciplined, स्टूडेंट्स को पंक्चुअल होना चाहिए, स्टूडेंट्स ought to be punctual, लोगों को ईमानदार होना चाहिए, सो पीपल ought to be honest, लोगों को अपने काम के प्रति डेडिकेटेड होना चाहिए, सो पीपल ought to be डेडिकेटेड फॉर देयर वर्क, सैनिकों को बहादुर होना चाहिए, सो सोल्जर्स ought to be ब्रेव, सैनिकों को देशभक्त होना चाहिए, सोल्जर्स ought to be patriot, है ना। जैसे हमें सभ्य होना चाहिए, सभ्य मीन्स मैनरफुल, सो वी ought to be मैनरफुल, स्टूडेंट्स को कॉन्फिडेंट होना चाहिए, स्टूडेंट्स ought to be कॉन्फिडेंट, सैनिकों को बॉर्डर पर होना चाहिए, सोल्जर्स ought to be ऑन बॉर्डर, लोगों को मीटिंग में होना चाहिए, सो पीपल ought to be इन द मीटिंग, है ना। हमें पॉजिटिव होना चाहिए, सो वी ought to be पॉजिटिव, है ना। जैसे मैं बात करूं, स्टूडेंट्स को प्रेयर में होना चाहिए, स्टूडेंट्स ought to be इन द प्रेयर, स्टूडेंट्स को फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, मतलब फ्यूचर का विजन देखने वाला होना चाहिए, स्टूडेंट्स ought to be फ्यूचरिस्टिक, है ना। हमें रिस्क टेकर होना चाहिए, हमारी ये ड्यूटी है रिस्क टेकर, जिंदगी में डरो मत, सो वी ought to be रिस्क टेकर, हर एक स्टूडेंट को डिसीजन मेकर होना चाहिए, ऑल द स्टूडेंट्स ought to be डिसीजन मेकर। दोस्तों, जैसे भी मैं जब भी ought to का यूज पढ़ाता हूं, मैं आपको बताता जरूर हूं कि ought to हम ज्यादातर अफर्मेटिव या नेगेटिव सेंटेंस में ही इस्तेमाल कर सकते हैं, नेगेटिव सेंटेंस में भी वो जो पॉजिटिव मीनिंग देते हैं, अदरवाइज हम ought to का इस्तेमाल सभी स्ट्रक्चर में नहीं कर सकते। यहां तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए मैंने पांचों स्ट्रक्चर्स लिखे हुए, ज्यादातर ही अफर्मेटिव और नेगेटिव में ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि ought to हमेशा पॉजिटिव मीनिंग ही देता है। सो गाइस, यहां पर ऐसे ही सेंटेंस बनेंगे। जैसे मुझे और सेंटेंस बनाना है, जैसे स्टूडेंट को डिसिप्लिन होना चाहिए, स्टूडेंट्स ought to be disciplined, मुझे तुम्हारे प्रति वफादार होना चाहिए, सो आई ought to be loyal towards you, तुम्हारे प्रति, हमें देश के प्रति रेस्पेक्टफुल होना चाहिए, मतलब सम्मान से भरा हुआ होना चाहिए, सो वी ought to be रेस्पेक्टफुल फॉर कंट्री, हमें देश का एक जिम्मेदार नागरिक होना चाहिए, सो वी ought to be a responsible citizen of country। जैसे हमें निडर होना चाहिए, निडर, सो वी ought to be fearless। तो इस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं गाइस। आइए कुछ और सेंटेंस रिटन में भी देखते हैं, ताकि और क्लियर हो। हमें देशभक्त होना चाहिए, हमें मीन्स क्या होता है, वी, सो वी ought to be देशभक्त, मतलब पैट्रियॉट, वी ought to be पैट्रियॉट, ठीक है। हमें अपने देश के प्रति समर्पित होना चाहिए, सो वी ought to be डेडिकेटेड फॉर आर कंट्री, ठीक है। सैनिकों को बॉर्डर पर होना चाहिए, सोल्जर्स ought to be ऑन बॉर्डर।
आगे विद्यार्थियों को प्रार्थना स्थल पर होना चाहिए, स्टूडेंट्स ought to be in the prayer. In the prayer. लोगों को ईमानदार होना चाहिए, so people ought to be honest. People ought to be honest. हमें अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए, so we ought to be responsible towards our family. अपने परिवार के प्रति, so we ought to be responsible towards our family. शिक्षकों को विद्यार्थियों का सहायक होना चाहिए, means teachers ought to be supporter, सहायक means supporter of students. आगे देखिएगा, सभी विद्यार्थियों को सभ्य होना चाहिए, all the students सभी विद्यार्थियों को सभ्य होना चाहिए, ought to be, सभ्य means mannerful या फिर civilized, mannerful. ठीक है, हम सभी को हमेशा सकारात्मक होना चाहिए, we all ought to be, है ना, सकारात्मक, positive always. ठीक है, so we all ought to be positive always. लोगों को उनकी जिंदगी में रिस्क टेकर होना चाहिए, so people ought to be risk taker, रिस्क लेने वाला, रिस्क टेकर इन देयर लाइव्स, क्योंकि एक से ज्यादा के बारे में बात कर रहे हैं, सो पीपल ought to be रिस्क टेकर इन देयर लाइव्स. तो यहां पर दोस्तों हमने ought to का पांचवा यूज समझने की कोशिश करी, जो ought to का स्ट्रक्चर था ought to be. तो गाइज यहां पर हम लोगों ने समझने की कोशिश की कि ought to का नेक्स्ट यूज जो था ought to be, वो किस तरह से सेंटेंस में इस्तेमाल हो सकता है. उम्मीद करता हूं उस वीडियो के माध्यम से आपको ought to का ये इस्तेमाल भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा. थैंक यू सो मच वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए.